देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। जैन समाज के आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 50वां दीक्षा संस्कार मनाया गया। आपको बता दें कि आचार्य विद्यासागर को आज दीक्षा लिए पूरे 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर नगर के बड़ा जैन मंदिर से एक भव्य समारोह निकाला गया, जिसमें सभी जैन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस चल समारोह में ढोल नगाड़ों एवं रथ चल समारोह के आगे आगे चल रहे थे। चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जहां इसका जगह जगह स्वागत किया गया एवं चल समारोह पर पुष्प वर्षा भी की गई। कोठी बाग में अखिल उपभोक्ता कांग्रेस का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह रहे। विधायक जयवर्धन सिंह सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। विधायक ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके परिवार का ही सदस्य हूँ, आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे पास आएँ।
वहीं विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि 9 जुलाई को राधोगढ़ में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो सबसे प्रथम नंबर पर आएगा उसे 25,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ ही जो दूसरे नंबर पर आएगा उसे 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कांग्रेस जनों ने हिस्सा लिया। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी तेज सिंह की रिपोर्ट। माननीय हमारे पुरुषोत्तम जी शर्मा अध्यक्ष साहब का स्वागत करें, देवेंद्र सिंह जी और माननीय स्वागत करें। इसी क्रम में कमलेश जी सहिया दलित दलित सेवा संघ कांग्रेस के शांति राज्य सैनी जी आप पधारे और अपने नीति पर आदरणीय विधायक बोलेंगे। कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार जिन्होंने कभी भी बाल कांग्रेस में कोई पद नहीं लिया, इसके माननीय श्री परसोत्तम शर्मा जी श्री देवेंद्र सिंह जी के लिए नियुक्ति की ओर से हम सभी युवा एवं अधिसूचित कार्यक्रम की रूपरेखा को बताने के लिए कि वर्तमान कांग्रेस कमेटी किस तरह कार्य करती है और क्या कार्य रहता है, इसके लिए जिला प्रभारी निवेदन देता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा को समझाएं। बहुत सारे आज एक मैं आप सबका एक भाई हूँ, आपके परिवार के सदस्य हूँ, सबसे आपके परिवार का हिस्सा मानो ताकि हम साथ मिलकर रहें, जिसके द्वारा आप सब सबके अनेक अलग अलग प्रकार के समस्याएं होती हैं, काम होते हैं और हम हमेशा प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता कांग्रेस जिसका मूल उद्देश्य ये है कि उपभोक्ताओं का। म्याना में अंडरब्रिज की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधीश के नाम म्याना थाना प्रभारी राकेश गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। उसमें कहा गया कि अंडरब्रिज को लेकर ग्रामीण खासे परेशान हैं। इस अंडरब्रिज में कई बड़ी गाड़ियां गिरती हैं, कई एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसको लेकर थाना प्रभारी को आवेदन देकर अंडरब्रिज की समस्या को दूर करने की अपील की है। इसमें अभय व्यास, प्रेम सिंह राजपूत, वाहिद खान, गौरव जैन, लाला राम कुशवा, दुर्गेश सिंह यादव, राजेंद्र सिंह चौहान एवं चिरंजीव शिवहरे इत्यादि लोगों ने ज्ञापन सौंपा। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। आज किस चीज़ का ज्ञापन दिया आपने? आज हमने ज्ञापन म्याना रेलवे पुलिया के विषय में दिया है। उसमें इतना पानी भरने के कारण बिल्कुल मार्ग अवरुद्ध है और उसमें पशु मर रहे हैं और जो गाड़ियां यातायात हैं वो भी बहुत बाधित है और ये हाईवे जो रोड है जो साधारण रोड नहीं है, दो प्रदेशों को जोड़ने वाली रोड है। ललितपुर तक का यातायात इस रोड से होता है, इसलिए रेल महकमे से हमारा निवेदन है कि इसका उचित उपाय जल्द से जल्द किया जाए। क्या नाम है आपका किस पद? मेरा नाम है अभय व्यास, समाज सेवी म्याना। खराब होती प्याज को फेंकना शुरू। पहले से कोई व्यवस्था ना होने के चलते खराब होने लगी प्याज। बारिश के चलते खराब होने का अंदेशा पहले से ही था, जो सच हुआ, प्याज खराब होने लगी। खराब प्याज को ठिकाने लगाने का काम भी शुरू हो गया है। प्याज जो फेंकने के लिए फिर से सरकारी पैसा बहाया जाएगा। आपको बता दें कि प्याज को ऐसे ही कहीं नहीं फेंका जा सकता, फिर भी हाईवे के किनारे इसे फेंका जा रहा है। इस बारे में जब हमने अधिकारियों से बात करना चाही तो किसी ने भी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। सरकारी पैसे का दुरुपयोग कब रुकेगा यह तो समय ही बताएगा। हजारों क्विंटल प्याज बाहर से मंगवाई जा रही है,
जिसका यहाँ कोई भी रखरखाव नहीं है, ना ही इस प्याज को रखने के लिए कोई जगह है और ना ही इसे खराब होने के लिए बचाने के लिए कोई उपाय। अब ऐसे में परेशान हो रहे हैं वो ट्रक वाले जो प्याज को लेकर आए। हालात यह है कि जो ट्रक का स्टाफ है उनके पास खाना खाने को भी पैसा नहीं बचा, इधर उधर से मांग कर वो अपना काम चला रहे हैं। आपको बता दें कि गुना में प्याज रखने की जगह नहीं है। 5 दिनों से ट्रक वाले परेशान हो रहे हैं कि प्याज खाली हो जाए तो वो घर वापस चले जाने। उक्त प्याज नागदा से आई है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। कहाँ से आए? नागदा से। क्या करते हैं आप? कंडक्टिंग करते हैं गाड़ी के अंदर। और क्या करते? ट्रक लेके आए। जी हाँ। क्या लेके आए ट्रक में? प्याज। कहाँ से लाए हो जी? नागदा से, गुना के लिए। गुना के लिए मंडी में? हाँ। तो ये कब की खड़ी है गाड़ी? 4 दिन हो गए। 4 दिन? जी हाँ। क्या हो रहा है? पोजिशन खाली की नहीं हो रही ना। पोजिशन खाली नहीं कर रहा है? हाँ। आपने कही होगी खाली करने की? कागज भी नहीं चल रही पार्टी। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा है कभी जगह नहीं, कलेक्टर के पास जाओ, जगह नहीं है। हाँ। तो गाड़ी आप लोग 5 दिन से खड़े हो आप? हाँ जी हाँ। फिर खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की है ही नहीं, भूखा मर रहा है भाजी, इधर उधर से मांग रहा है और क्या खाने। और जो प्याज में क्या हो रहा है? प्याज जो जब खाली नहीं करवा रहा है, पोजीशन खराब हो रही है ना उसकी। क्या हो गया? ये गिर रहा है नीचे, कीड़े वगैरह बस। क्या कीड़े लग गए? गुना TI विवेक अस्थाना के खिलाफ मामला पहुंचा महिला राज्य आयोग। आपको बता दें कि यह मामला 2015 का है, जब आवेदक की बेटी के साथ कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी थी, जिसके लिए वह थाने में 35 दिनों तक चक्कर लगाता रहा। इन 35 दिनों में उसकी रिपोर्ट ना तो लिखी गई और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की गई। इसके बाद जब आवेदन SP महोदय से मिला, तब जाकर कहीं उसकी शिकायत थाने में लिखी गई। आवेदक का यही आरोप है कि यदि इस तरह से TI गुनाहगारों को पना देते रहेंगे तो शहर में अमन कैसे रहेगा। साथ ही आवेदक का आरोप है कि उसे इन 35 दिनों में खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब सोचने लायक बात यह है कि कहां एक ओर पुलिस प्रशासन बोलता है कि महिलाओं से संबंधित कोई भी शिकायत तत्काल स्वीकार की जाएगी तथा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, पर यहां तो मामला उल्टा ही लगा। जब 35 दिनों से एक बेटी का पिता थाने के चक्कर लगाता रहा और आरोपी खुले में घूमते रहे, ऐसे में सरकार का सपना कैसे साकार होगा कि बेटियों को बचाया जाए। हालांकि उक्त मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है, पर इस पिता ने अपनी हिम्मत ना हारते हुए और अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए बिना किसी बात से डरे TI विवेक अस्थाना के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। 2015 ही हमने गुना कोतवाली और बच्ची मेरी 11वीं में पढ़ती थी, घूमने का कोचिंग जयस्तम चौराहे। तो ये 3 लोग जाकर वहाँ बोले कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है और फिर तुम मीनाक्षी हॉस्पिटल में हमने भर्ती करा दी। लड़की को लेकर उसे पानी की गलत सलत बात करने लगे बच्चे के साथ। उसने तुरंत आकर मेरे ये बताया, मैंने कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आवेदन TI साहब ने जांच के नाम पर गुमराह 35 दिन बाद FIR दर्ज की, जो कि SP के आदेश के ऊपर ने FIR दर्ज की। हमने भारी भ्रष्टाचार करके SI शर्मा सिंह और वो कष्टाना ने मनुष्य खिलाफ दिया है। इसके बाद में गाँव पर बंद है मेरे बच्चे को पीटा, इसके बाद FIR में आना थाना में करवाई और मेरी शिकायत महिला राज्य आयोग सभी जगह की, और इसके बाद में विवेक अस्थाना की SI शरद सिंह की शिकायत की, जिसका जांच SDO की मैडम श्रद्धा जोशी को मिली। उन्होंने अपनी तरफ से एक लाइन लिख दी कि शरद वंशी की आवाज़ रघुवीर सिंह ने नहीं पहचानी, उन्होंने इनको ही लाभ दिया अनुचित। मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई हो। आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर सिंह। कहाँ से? सुभाष कॉलोनी। जिला हॉस्पिटल की राजनीति आज महिला आयोग की बेंच के सामने खुलकर सामने आई। आज सर्किट हाउस में महिला आयोग की बेंच लगी थी, जिसमें एक मामला जिला चिकित्सालय की डॉक्टर लेखा तिवारी का था, जिसमें लेखा तिवारी पर काफ़ी संगीन आरोप थे, जिसके बचाव में डॉक्टर लेखा तिवारी ने सिर्फ यही कहा कि यह सब कुछ जो करा रहे हैं वह हॉस्पिटल के सिविल सर्जन हैं,
इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। फिर मैंने वो सारी दी, खैर अल्टीमेटली जिसके पास पावर होती है चाहे थोड़ी सी भी हो जीत उसकी हो जाती है। तीसरा केस जो मेरे को सस्पेंड करवाने के लिए इन्होंने किया है, वो महिला आई रात में 6 बजे के करीब, 8:05 पर मेरे पास कॉल आया, मैंने जाके उसको देखा, उसको सीजर के लिए बोला, सीजर के लिए महिला ने, उसके भाई ने। आपको बता दें कि डॉक्टर लेखा तिवारी के ऊपर यदा कदा आरोप लगते आए हैं, जिसमें प्रसव के दौरान महिला की मौत, प्रसव के दौरान बच्चे की मौत या प्रसव ना करने देना, पैसे मांगना आदि हैं। इन सब के लिए उन्होंने सिविल सर्जन को दोषी ठहराया है। जैसा कि कुछ माह पूर्व सोनी दंपत्ति की एक महिला को ऑपरेशन करते टाइम ऑपरेशन टेबल पर ही छोड़कर चली गई थी, जिसके लिए सिविल सर्जन ने एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर ऑपरेशन करवाया था। इन आरोपों के बचाव में सिविल सर्जन डॉक्टर वाई एस रघुवंशी का कहना है कि महिला आयोग ने उनके रिकॉर्ड ले लिए हैं, जितने भी आरोप लगे हैं सब बेबुनियाद हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर लेखा तिवारी एकमात्र ऐसी डॉक्टर नहीं हैं जिन पर आरोप लग रहे हों। जिला चिकित्सालय में एक या दो डॉक्टरों को छोड़कर सभी पर कोई ना कोई संगीन आरोप लगते रहते हैं। करीब 4 माह पूर्व राज्य सरकार ने चिकित्सकों की कमी का उल्लेख करते हुए मैडम को सस्पेंशन से बाहर करने के बाद जिला चिकित्सालय अशोक नगर में इनके पोस्टिंग के आदेश किए, और हो सकता है कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हो और उस आदेश को भी नहीं मान रही हो, शासन के बहुत सारे आदेश नहीं माने, चूँकि पहले निलंबन करके ग्वालियर अटैच किया था, वो आदेश भी नहीं माना था, ग्वालियर भी नहीं गई थी, तो हो सकता है वो उस आदेश को मान नहीं रही हो, और अभी माननीय आयोग के सामने भी रिटर्न बयान वो कर रही थी कि मैं अभी भी सस्पेंड। पुलिस ने किया 11 माह पूर्व एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश। आपको बता दें कि 11 माह पूर्व एक मृत युवक की लाश नर्सरी में पाई गई थी, जिसकी शिनाख्त के बाद उसका नाम सुमित केवट बताया गया था। सुमित के पिता ने थाने में नामजद आरोपी बताते हुए सुमित के मालिक मोनू रघुवंशी और उसके साथियों का नाम आवेदन में दिया था। आज पुलिस ने उनकी गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी को सबके सामने पेश किया। आरोपी को देखकर यह लगता है कि आरोपी खून नहीं कर सकता। साथ ही जो कहानी पुलिस ने बताई उसमें भी कई शंकाएं नजर आईं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ सुमित के अवैध संबंधों के चलते सुमित की हत्या की थी। साथ ही आरोपी का कहना है कि उसने मंदिर के पास खून किया और आवाज़ किसी को सुनाई ना आए, यह कैसे संभव हो सकता है। दूसरी ओर जहाँ उसने मारा वहाँ से सुमित की लाश मिली, उसकी दूरी भी कम नहीं है। इतनी दूरी तक आरोपी ने बताया कि वह सुमित को घसीट कर ले गया, परंतु पुलिस को घसीटने का कोई भी निशान वहां नहीं मिला। सर रात थी, कहां पे रात थी, जगह क्या था? जगह घर, घर था, मंदिर था, नेताजी का, देवल सिंह की, घर में क्या कर रहे थे नेताजी से? नेताजी घर अंदर किया था, बाहर किया था उसमें कत्ल उसका, लेकिन बाहर, लेकिन घर से, लेकिन बाहर। फिर बॉडी उठा के कैसे ले गए तुम? बॉडी कैसे उठाई थी? बॉडी कैसे उठाई? बॉडी सर हम कठोर में ले रहे थे। कौन कौन थे तुम? कौन कौन थे? मैं अकेला ही था सर। देरेस कचोर गई थी, बॉडी उड़ गई तुमसे? नहीं सर, वो कठोर में ले आओ तो सर बोल देगा, उसको लिया था, उसको फेंका कैसे बिल्डिंग पार करके, लेकिन सर वो तो मैं गेट खोल के ले आओ तो। गेट की आवाज नहीं आई, मोनू उठे, मोनू वगैरह नहीं, कोई उठ गए थे, मोनू पिछवाड़ा था, पिछवाड़ा मोनू का कराई मैं सक में था, इसके गाड़ी में था, मोनू को कर देना, अकेले नहीं करो सर, लेकिन मेरे संग वहाँ बुरा करो तो, लेकिन इसलिए मैंने वहाँ मार दिया। क्या बुरा करा था? लेकिन वो मेरे बच्चे ने परेशान करा तो, हाँ परेशान करा तो मेरे मोनू कैसे मारा है तुमने? मारा कैसे? घरवाली लकड़ी से मारो तो सर, मैंने लकड़ी से किसी आवाज से? नहीं सर। मोनू को जानते हो क्या? जानते हैं सर, वे भाई रहते हैं, मैं तो सर नौकर आदमी हूँ। कौन है मोनू? मोनू कौन है? मोनू सिंह को लड़का है तो सर। तुम कब से काम कर रहे हो वहाँ पे? हम वहाँ हो गए वो या तीसरी साल लग गई सर, सर मोए। और वो लड़का कब से कर रहा था काम? लड़का वो तो साल भर से सर। अच्छा, क्या करता था वहाँ? लकड़ी के पैर में मारी थी? नहीं सर, मैंने उसके सिर में मारा था। और इसके बाद फिर एक लकड़ी से मर गया? कितने मारे थे? तेरे से कहा था कि तेरे को बचा लेंगे, तू मर्डर कर दे। नहीं सर, किसी ने नहीं बोला। मैं बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हूँ।
बताया गया कि है एक्चुअली। फिर जो लालू भैरिया एक और वहीं का ही नौकर है, वो भी पिछले दो तीन साल से वहाँ काम कर रहा है, वहाँ पे उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की। पहले उसने बताया कुछ और, फिर बाद में उससे और पूछताछ की, फिर उसकी वाइफ को बुलाया गया, उससे पूछा और उसकी मदर से पूछा, फिर फाइनली ये निकल के आया कि वो एक्चुअली उसको ये डाउट था कि उसकी फैमिली, उसकी जो वाइफ है उसका सुमित गिवट से कुछ प्यार है या कुछ चरित्रहीन टाइप का उसको लगा था सुमित गिवट, और कुछ उसने आपत्तिजनक स्थिति में देख दी पति को बुलाया। और जब भी उस जब उसको मौका मिला, जब ये सूती हुई अवस्था में था तेईस तारीख, उससे सडन उसके सिर पे अटैक किया, वो सूता ही नहीं भी पॉसिबल कि सूता ही एक्सपायर हुआ, उसने बहुत सारे किए अटैक्स उस पर। और उसके बाद ये हुआ कि उसने फिर खुद एक्सेप्ट किया कि चूँकि मैंने ऐसा देखा था इसलिए फिर मैंने इसकी हत्या की, और फिर हम लोगों ने क्राइम सीन को पूरा। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले का खुलासा तो कर दिया है, पर अभी इसमें कई पेच बाकी हैं, क्योंकि आरोपी की कद काठी को देखकर लगता नहीं कि उसने अकेले ही खून किया हो, और जिस बेबाकी से वह पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहा था उससे शंका और गहरा जाती है, क्योंकि कोई शातिर अपराधी ही इस तरह बेबाकी से जवाब दे सकता है, जबकि इस आरोपी का पूर्व में कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। सवाल बहुत हैं पर जवाब देने वाला कोई नहीं। निजियाना न्यूज़ में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।